तो यही है वो शमशेरा द टेररिस्ट। शमशेरा अब भी बता दे तूने बम कहां प्लान किया है। मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। जो करना कर लो, मारना है तो जान से मार दो। मैंने बम को ऐसी जगह पे प्लांट किया है जहां कम से कम 1000 लोगों की मौत निश्चित है। जो करना है कर लो, बम फट कर रहेगा, धमाका। देखा विक्रांत, शमशेरा ने शहर में ऐसा बम लगा दिया है कि जिसकी वजह से 1000 लोगों की जान जा सकती है। और कमबख्त इतना पागल है कि हमारा इतना पीटने के बाद भी उसके बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस सारे मामले में मैं काफी डरता हूं। तुम उसे सच बुलवा सकते हो विक्रांत। मैं जब आप पुलिस वालों का डंडा काम में नहीं आया, उस मामले में मैं क्या कर सकूंगा। सच बुलवाने के कई तरीके हैं, जहां शक्ति नहीं चलती वहां शक्ति से काम लेना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं शक्ति। सच का फल। सच का फल? हाँ, हमारे गांव जमालपुर से 4 कोस दूर कोलार के जंगल है। ठीक उन जंगलों के बीचों बीच एक जादू का पेड़ है जिसपे चंद सच के फल उगते हैं। कहा जाता है कि जो भी ये फल खाएगा उसके मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। मेरी दादी माँ मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। इन दादा दादी की कहानियों ने तो मुझे बहुत घुमाया है। क्या वाकई ऐसा कोई जंगल है या फिर ये कोई कहानी है? है, बिल्कुल है। मैं कोलार के जंगलों की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ। अब हमें एक चांस लेना होगा, तुम्हें लेना होगा विक्राल। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं कोलार के जंगल जाऊं, पेड़ को ढूंढ कर वो सच का फल तोड़ लाऊं। हाँ विक्रांत, और उस फल को हम चालाकी से शमशेरा को खिला देंगे, और उसके बाद वो हमें बम के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। अब यही सहारा है विक्रांत। हमारे सूत्रों के मुताबिक शमशेरा का लगाया हुआ बम कल शाम तक फटेगा। उससे पहले तुम्हें कोलार के जंगलों में जाकर सच के फल को लाना होगा विक्रांत। काम बहुत मुश्किल है। पर मुश्किलों और विकराल का थोड़ी दामन का साथ है। कोलार का जंगल। तो अंदर जाना मना है। हाँ, क्योंकि जो भी इस जंगल के अंदर गया है कभी वापस नहीं आया। ऐसा क्यों? ये छलावों का जंगल, यहाँ तरह तरह की चुड़ैलें अपना डेरा लगाए हुए हैं। दिन भर वो भटके हुए राहगीरों की ताक में रहती हैं। जो भी अंदर गया वो उसे अंदर ही घुमा देती हैं, और जब वो थक कर गिर जाता है तब उस पर हमला करती है। सर, आपको ये सब कैसे मालूम? तुझे नहीं मालूम? विक्राल अंतर्यामी है, अंतर्यामी। और विक्राल के पास प्रोफेसर कृष्णकांत सर का कोलार जंगलों का मैप है। हाँ, वही अमृत झील वाले कृष्णकांत सर, जिन्होंने भारत के सारे जादुई जंगलों पर रिसर्च की है। अब यही मैप हमें सच के फल तक ले जाएगा। डायलॉग ज्यादा लंबा नहीं होगा। चलो Oh,
ये लो घबरू, तुम भी ले ली। ये मेरे गुरु सत्याचार्य की बनाई हुई तावीज है, इसे पहन लो। ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगी, पर अगर मुसीबत बढ़ जाए तो इसे उसी वक्त तोड़ देना। उससे क्या होगा विकराल? उससे तुम बच जाओगे। ताकि हम अपने वापसी का रास्ता ना भूल जाएं। और प्लीज लिली, और सवाल मत पूछो यार, ये एडवेंचर है, कोई इंटरव्यू नहीं। जी सर। सर, वो तो थक ही गई। गोद ले लूं? यहाँ का वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन लगता है। और अब सुनो, तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे, तुम दोनों ठीक है? चलो कम ऑन। विकराल और उसके साथी फिर से बच गए। लगता है जब तक तीनों साथ हैं उन्हें मारना मुश्किल होगा। उन्हें अलग अलग करना ही होगा। विकराल, अब तू देख कोलार की चुड़ैलों का छला। देखो लीली, मैं बिल्कुल साफ हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन। अब चुप। सर, ये मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रही है? आखिर तुमने मेरी सेंट सूंघी ली, अच्छी है ना? ये जरूर सच के फूल की खुशबू है। लीली।
यानी कि अब तक हम सही रास्ते पर हैं। रास्ते पर जा रही हूं। गबरू गबरू जा लिली से पानी की बोतल लेना। पता नहीं ये कहाँ चली गई। अब मैं लिली के बिगर कैसे रहूंगा विक्रांत, लिली को ढूंढो ना। ये जंगल बहुत खतरनाक है गबरू। जंगल के बीच में सिग्नल कहाँ से आ गया? अचानक पता नहीं कहां गायब होगी। गबरू से बचाना होगा हमें। आपका बच्चा लिली लिली चलो लिली।
बीबी क्या बीबी सब जगह भी आई थिंक आई एम लॉस्ट गबरू प्लीज मुझे डराना मत मुझे नहीं पकड़ सकती ना आओ मुझे ढूंढ लो मुझे गबरू गबरू सत्याचार्य की बनाई हुई तावीज है इसे पहन लो ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगी पर अगर मुसीबत बढ़ जाए तो इसे उसी वक्त तोड़ देना आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को